निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। वर्ष 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में जो बात कही थी वो आज भी प्रासंगिक है। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC भी इस पुण्य यज्ञ में अपनी आहुति डाल रही है। इसके लखनऊ उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में प्रवेश करते ही आभास होने लगता है कि हम विशुद्ध हिंदी भाषी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं। इस कार्यालय में लगे नाम पट्टों को देखिए, सभी द्विभाषी हैं। यहां का पत्राचार हिंदी में ही होता है। यहां के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की खरीद पर उचित धनराशि खर्च की गई है। उद्देश्य यह है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो। हम अपने जितने कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं कि वो अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें। हम लोग क क्षेत्र में हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, तो इसके लिए हमारा नैतिक और अन्यथा पूरा दायित्व बनता है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दें। ये कार्य हमारे सभी कर्मी उत्तरी क्षेत्र में और परियोजनाओं में बखूबी कर रहे हैं। NTPC के उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय की बगिया में हिंदी की सुगंध बिखेर रहा है। वार्षिक राजभाषा विशेषांक यानी उत्तर दर्शन, राजभाषा में उत्तम कार्य करने और इसी उत्तर दर्शन के प्रकाशन से प्रभावित होकर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने NTPC के इस कार्यालय को पुरस्कार स्वरूप शील्ड भी प्रदान की है। यहाँ की द्विमासिक गृह पत्रिका उत्तर ज्योति हिंदी प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। NTPC के उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय से संबद्ध सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार और टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भी अपने अपने कार्यालयों में वार्षिक राजभाषा विशेषांक तथा गृह पत्रिकाओं के माध्यम से राजभाषा के प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। अहिंदी भाषी भी यहां उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में राजभाषा को पूर्ण रूप से गले लगा चुके हैं। मैं तो यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में जो है पिछले 12 साल से हूँ। वैसे तो हिंदी में काम करने में तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि जो बोली इतना अच्छा है और साथ साथ में जो है हम यहाँ रहते रहते इसके अलावा भी जो है मैं हिंदी बेल्ट में पिछले 40 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लखनऊ स्थित NTPC के उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में प्रयोग किए जा रहे सभी कंप्यूटर द्विभाषी हैं और यहाँ की वेबसाइट भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में संवारी गई है। यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हर तिमाही आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते कर्मचारियों का उत्साह देखते ही बनता है। ना बचाओगी तो भाई के हाथों में राखी किससे बंधवाओगी, बोलो ना माँ। बेटिया ना बचाओगी अब भी चुप रह जाओगी, बोलो ना माँ मेरा क्या कसूर। NTPC का उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय न केवल राजभाषा के प्रचार और प्रसार को लेकर सतर्क है, बल्कि राजभाषा हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उसे गर्व है अपने उन कर्मियों पर जो विद्युत उत्पादन कर घर घर में रोशनी ही नहीं बिखेर रहे हैं, बल्कि राजभाषा हिंदी को भारत माता के मस्तक पर गौरवशाली बिंदी के रूप में स्थापित करने को भी कटिबद्ध हैं। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।